हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और डीआईवाई सर्किट में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है रॉकेट लॉन्चर, इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट लॉन्चर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये है चार्जिंग मॉड्यूल जो आप यूज कर सकते हैं लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग करने के लिए। ये लिथियम बैटरी है जो आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगी, लैपटॉप से भी निकलती है ये वाली बैटरियाँ। ये है नाइक्रोम वायर जो हमारे एटी एलिमेंट का काम करेगा, और ये कुछ नट बोल्ट है। 1 mm का वायर ले लेना है आपको। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल पाइप है जो आप देख सकते हैं, मैंने इस डायमेंशन से काटा हुआ है। ये मैंने रॉकेट की लंबाई के हिसाब से लिया है। आप इससे बड़ा और छोटा भी काट सकते हैं, आपकी सुविधा के हिसाब से जैसा काटना है वैसे काट सकते हैं। इस तरीके से इसे जोड़ देना है। उसके बाद ये जो नट बोल्ट है इसमें शोल्डरिंग कर देना है। इसे सबसे पहले थोड़ा घस लेना है ताकि वह इससे शोल्डरिंग कर सकें। इसके बाद इस तरीके से होल्ड कर देना है ताकि वायर इस साइड निकाल सके। हमें इस साइड स्विच और बैटरी लगाना है और चार्जिंग मॉड्यूल में लगाना है। तो ये नट बोल्ट के जो वायर है उस साइड लगा देना है। उसके बाद होल्ड के लिए होल्ड कर देंगे, नट बोल्ट लगाना है। उसके बाद हमें तो ये जो मैंने देख सकते हैं आप होल्ड किया हुआ है, तो इसमें नट बोल्ट लगा लेंगे अपन। तो इसे अच्छे तरीके से राइट कर लेंगे क्योंकि सेफ्टी का सवाल है इसमें। जब ये जलेगा तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, थोड़े नट बोल्ट भी हिल जाएंगे, और वायर को भी अच्छी तरीके से उसमें सेट कर देना है। उसके बाद हम आते हैं बैटरी कनेक्शन की तरफ। इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। ज़्यादा उसमें सिर्फ सीरीज में ही स्विच लगाकर कॉइल को ऑपरेट करना है। और आप देख सकते हैं मैंने बैटरी का नेगेटिव साइड में वायर जोड़ा हुआ है, तो ये शोल्डरिंग करना है इस साइड में। और सबसे पहले नेगेटिव वायर साइड में जोड़ देना है। इस नेगेटिव वायर के बाद हमें चार्जिंग मॉड्यूल के भी नेगेटिव वायर को इस साइड जोड़ देना है ताकि हम इसे चार्जिंग भी कर सके। हमारे वो जो उसमें बैटरी प्रोटेक्शन भी है उस चार्जिंग मॉडल में, तो उसी से ही हमारी बैटरी अगर ओवरलोड चार्ज होती है तो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएंगी, इसे ओवरलोड चार्ज भी नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी उसके बाद हम इस बैटरी को अंदर डाल देंगे ताकि हमारी वायरिंग हो गई है नेगेटिव साइड की। अभी पॉजिटिव साइड वाली चार्जिंग की वायरिंग, बैटरी की वायरिंग करेंगे। तो हम अब देख सकते हैं हम पॉजिटिव वाले वायर जोड़ रहे हैं इस साइड में। उसके बाद पॉजिटिव वायर जोड़ने के बाद हम स्विच के लिए कनेक्शन के लिए वायरिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें इस साइड में पहले होल करना पड़ेगा। ये अगर यहाँ से होल करने के बाद हमें वायर उस साइड लेके जाना पड़ेगा, वो जहाँ हमें स्विच लगाना है। आप यहाँ पर भी स्विच लगा सकते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हम उस साइड से लगाऊंगा स्विच, ताकि आप देख सकते हो मैंने होल कर दिया है। तो इस साइड हम स्विच लगा लेंगे। आप कोई भी स्विच यूज़ कर सकते हैं। मुझे कमेंट आते हैं गाइस बहुत सारे कि कौन सी स्विच यूज़ करना है। आप अपने हिसाब से स्विच यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे भी आपको स्विच यूज़ करना है। कोई भी लोकल मार्केट स्विच को पता है आपको सबको काम क्या है, तो बस स्विच को ऑपरेट। मैंने पुश स्विच यूज़ किया है, वही थी मेरे पास। तो आप इसे स्विच को शोल्डरिंग कर सकते। कनेक्शन है जैसे एक लाइट का कनेक्शन होता है, एक स्विच और एक बल्ब बैटरी के ऊपर, उसी तरीके से कनेक्शन करना है इसका भी। और तक आप नॉर्मली पुश स्विच लगाइए, क्योंकि कॉइल अगर ज़्यादा देर तक चालू रहेंगी तो कॉइल का नाइक्रोम वायर तो जल के गर्म होकर टूट भी सकता है। तो आप ऐसी स्विच यूज़ करें ताकि पुश स्विच है जो ज़्यादा देर तक दबाना ना पड़े। उसके बाद हम चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन कर लेंगे। इसका नेगेटिव वायर नेगेटिव को, पॉजिटिव वायर पॉजिटिव को इस तरीके से जोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको पैक कर देंगे। तो उसके लिए हमने PVC का ही टुकड़ा मैं लिया है, मैंने इसको काट के रख दिया था पहले ही। इसी के हिसाब से आप पाइप को रख के इस माप से काट सकते हैं और इस तरीके से होल करके इसे एक फेविक्विक बॉन्ड से जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने जोड़ा हुआ है। इसे बढ़िया पर काट लीजिए गाइस, क्योंकि इसे काप अगर कटर से काटते हैं तो हाथ वगैरह पर लगने का डर होता है। तो आप इसे अपने हिसाब से अच्छे से काट लीजिए, इसको फेविक्विक बॉन्ड से इस तरीके से जोड़ लीजिए। और एक बार आप लास्ट में चेक भी कर लेना चार्जिंग होता है या नहीं, जो मैं भी चेक करके ही बताऊंगा आपको कि वैसे। तो इसे फेविक्विक से ये लगाने के बाद जोड़ दीजिए गाइस। और मेरी और वीडियो आएंगी गाइस, तो लाइन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं दिवाली के लिए और वीडियोस बनाऊंगा। इसके बाद हमने और वीडियोस भी शूट की है, वो भी हम जल्दी ला लेंगे इसे। और दूसरा साइड जो भी कवर करना है वो भी आप ऐसे ही कवर करके, जो जो साइड कवर करना है आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद हमें नाइक्रोम वायर ले लेना है। नाइक्रोम वायर का थोड़ा सा टुकड़ा लेके हमें उसे सीधा करके बिल्कुल इसी तरीके से हमें लगा देना है, ताकि नाइक्रोम वायर को हमें कॉइल जैसा लपेट लेना है, ताकि वो जो फटाके की रस्सी है वो उसमें लग के उसी से फटाके जल सके, जैसे रॉकेट में जो भी रॉकेट लगाएंगे हम उसी से जल सकें। तो इस तरीके से हम इसे राउंड कर लेना है, पहले तो लपेट लेना है और उस तरीके से हमें बराबर इसी तरीके से टाइट कर देना है। आप बराबर इसे टाइट कर दीजिएगा। और ये नाइक्रोम वायर वो प्लास्टिक के पाइप से थोड़ा दूर रखिएगा, क्योंकि ये जब गर्म हीट होगा तो पाइप को ना जला सकें।
और आप इसमें पाइप थोड़ा हेवी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, 2 mm का भी पाइप आता है, आप वो वाला यूज़ कर लेना। देख सकते हैं अभी मैंने चार्जिंग लगाया हुआ है, जैसे कि चार्जिंग हो रही है अभी चेक कर ले सकते हैं चार्जिंग हो रही है करके इसी तरीके से। और ये देख लीजिए कॉइल भी काम कर रही है, मैंने पुश बटन दबाया है तो ये फिट हो रही है, ठीक है। तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने लगा दिया है, इसके बाद हम इसे दबाई हमने पुश स्विच और ये जो रॉकेट उड़ गया देख सकते हैं आप, ये दूसरा भी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगले वीडियो में ऐसे मिलते हैं, लाइक करते हैं।